तो मेरा नाम है शुभम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा DSSSB का रिजल्ट आया है पोस्ट कोड 64/15 मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का। आज ही रिजल्ट आया था। सबसे पहले बता दूं सप्लीमेंट्री रिजल्ट, अगर आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं पता कि क्या होता है तो मैं आपको पूरा बताऊंगा इस वीडियो में। देखो सबसे पहले मैं आपको मेरिट दिखा देता हूं। देखो मेरिट है 200 में से जनरल की 99 गई है, OBC की 90.5 गई है, SC की 73.75 गई है। अब देखो मैं पहले यहाँ पे वैकेंसी बता देता हूँ। वैकेंसी यहाँ पे टोटल हमारे पास 11 वैकेंसी थी, 6 जनरल, 3 OBC, 2 SC। इसका क्या था, देखो सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्या होता है, कोई रिजल्ट ऐसा होता है जो पहले आ जाता है, फिर उसमें कोई अमेंडमेंट होता है, मतलब अमेंडमेंट का मतलब कुछ इसमें कुछ बच्चे कम पड़ जाते हैं या कुछ भी, मतलब कुछ भी इफ इनकेस कुछ भी हो जाता है कि उसमें बच्चे कम पड़ जाते हैं। मेन मतलब मेन ये है, अगर शो मान लो बच्चों की कमी पड़ जाती है तो उसके बाद ये रिजल्ट आता है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बता रखा है, इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि क्या नाम है, एक रिजल्ट आया था यहाँ पे, क्या नाम है आपका, इसका जो सप्लीमेंट ये जो रिजल्ट है ना ये पहले आया था। देखो आपका क्या नाम है, 1/6/2018 में ये वाला रिजल्ट आया था। इसमें क्या था कि मतलब टोटल मतलब इतने इतने बंदे यहाँ पे हो गए थे 6, 3, 2। अब इसमें क्या हुआ, एक बंदे ने ज्वाइन नहीं करा, जनरल की कैटेगरी का था वो बंदा, उस बंदे ने मतलब अपनी पोस्ट ज्वाइन नहीं करी। इनके पास एक वो होती है मतलब जिसे कहते हैं वेट लिस्ट। क्या होती है, जैसे कि जब रिजल्ट आया उसके एक साल तक, नेट एक साल तक आपकी वेट लिस्ट रहेगी। अगर एक साल के अंदर अंदर आप आगे ज्वाइन करते हो तो आपको क्या नाम है कि आपको मतलब पोस्ट मिल जाएगी। इफ़ अगर आप नहीं आते तो एक साल के बाद फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर वो जब मतलब वो नोटिफिकेशन डाल देते कि अब ये पोस्ट जो वो कैंडिडेट था वो कैंसिल हो गया, अब इसका वो दूसरा रिजल्ट डालेंगे उसके बेस पे। ये सिर्फ उनका होता है जो मेन मतलब जो एंड तक पहुंच जाते हैं। एक तो होता है प्री, तो अगर किसी में दो टायर है, मानो जैसे ग्रेड 4 का ले लेते हैं, सबसे पहले हमने तो जो फाइनल तक पहुंचेगा, जैसे कि हमने पहले एग्जाम दिया फिर टाइपिंग दी फिर मेडिकल, मतलब जो रिजल्ट करके एक फाइनल मेरिट निकलती है ना उसके बाद होता है। उसके बाद अगर कोई बच्चा मतलब ज्वाइन नहीं करता या तो उसकी नौकरी लग जाती है। इनके इन्होंने बताया कि हमने उसे मतलब इतने मेल लेटर जो भी इन्होंने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी पर वहां से कोई भी रिप्लाई नहीं आया, तो इस वजह से इन्होंने फिर यहाँ ना 31/5/2019 को उसको एक साल हो गए, फिर उन्होंने वेट लिस्ट वो मतलब उस बच्चे का नाम कैंसिल करने के बाद फिर यहाँ पे इन्होंने फिर ये अब इन्होंने मतलब अब नई लिस्ट चालू करी है। ये अब एक जो जिस मतलब देखो जिस बंदे का रोल नंबर था, जिसका नंबर आया था वो था 123000098, ठीक है, यहाँ पे ये बंदा था, इस बच्चे को हटा के अब यहाँ पे जनरल की पोस्ट में देखो ये आ गया 123000031, ये बंदे को यहाँ पे ले लिया। अगर ये बंदा वीडियो देख रहा है वैसे इसके पास नोटिफिकेशन मतलब इससे ये कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि मानो फिर खाली ऑफिशियल, क्योंकि एक साल पहले रिजल्ट आया था ये, क्योंकि उसे तो पता भी नहीं होगा, क्या पता वो कहीं पे जॉब भी कर रहा हो, तो अब ये थ्रू मतलब उसे कॉन्टैक्ट करेंगे, उसे बताएंगे। अगर उसका भी है इफ इन केस उसका भी है ऐसे ही होता है, अब उसका नंबर आ गया, अगर उनने भी एक साल तक ज्वाइन नहीं करता है या कोई रिस्पॉन्स वगैरह नहीं देता, जैसे आज है, आज से नेट है, आज इन्होंने रिजल्ट निकाला, आज से एक साल बाद मतलब बिल्कुल कर देता, मतलब एक साल बाद तक वो क्या नाम है वेट लिस्ट पर रहेगा। अगर इफ इन केस वो भी ज्वाइन नहीं करता फिर ये तीसरा निकालेंगे, मतलब एक और रिजल्ट निकाल देंगे इसी के बेस पे, ठीक है। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्या होता है, और इस वीडियो का मतलब इस वीडियो में भी समझ आ गया हो सब। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।